नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। गुरु का केंद्र भाव में बैठना बहुत शुभ होता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली में गुरु केंद्र भाव यानी कि चौथे भाव और दसवें भाव में बैठा है तो किस जगह आपको दान नहीं करना है, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। मुसीबत में ही नहीं बल्कि झूठे मुकदमे, झूठे आरोपों, यहाँ तक कि ना कुछ करते हुए भी सजा पाएंगे, दंड पाएंगे। ये थोड़ी सी छोटी सी असावधानी आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। तो ध्यान रखें, यदि आपकी कुंडली में गुरु चौथे या दसवें भाव में है तो आपको क्या सावधानी रखनी है, आज इस वीडियो में बताएंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, गुरु यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव और दसवें भाव में है तो कभी भी मंदिर निर्माण के लिए धन ना दें, मंदिर निर्माण में सहयोग ना करें, और यदि ऐसा करते हैं तो यह बहुत अशुभ होगा आपके लिए। यहाँ तक कि जातक बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, झूठे मुकदमों में फंस सकता है, सजा पा सकता है, फांसी तक पहुँचने की नौबत आ जाती है। कभी कभी दान भी हमको नुकसान पहुँचाते हैं। दान धर्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान करने से पहले, धर्म करने से पहले आप इस चीज़ को पहले समझ लें कि वो आपके लिए उचित है या नहीं। हाँ, आज एक बात और बताने जा रहे हैं, कुंडली में चौथे घर में गुरु है, दसवें घर में गुरु है तो मंदिर सहयोग में, मंदिर में दान धन नहीं देना चाहिए। लेकिन किसी किसी की कुंडली नहीं होती तो क्या करना चाहिए, उसको भी समझ लें। आपकी आत्मा, आपकी मर्जी, आपका दिल जो करे वो कार्य करना चाहिए, वो दान करना चाहिए, किसी के कहने से दान नहीं करना चाहिए। आपकी मर्जी हो तो करें, और अगर कुंडली है तो ध्यान रखें, कुछ सावधानियां कुंडली को देखकर बताई गई हैं, उनका अनुपालन करें, जीवन खुशहाल रहेगा, जिंदगी खुशहाल रहेगी, समस्त कष्टों से, पीड़ाओं से मुक्त रहेंगे। नहीं तो कभी कभी बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है और एक दान आपका अहित कर देता है, और फिर आप सोचते हैं यह सब किस वजह से हो रहा है, मैं तो बड़ा दान करता हूँ, बड़ा धर्म करता हूँ। कभी कभी पुण्य करना, दान करना, धर्म करना, यह भी हानि देते हैं। तो जिसका भी कुंडली में चौथे घर में गुरु है या दसवें घर में गुरु है तो ऐसे व्यक्तियों को मंदिर निर्माण में धन का दान नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।